से चंडीगढ़। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। चलिए, हाँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी कवर करेंगे बाय एग्जाम आइडिया। सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। फर्स्ट कंसेप्ट है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ए फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट इंटरवल इफ इन दैट इंटरवल वाई एग्जिस्ट इफ वी प्लॉट अ पॉइंट्स ग्राफ इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। मतलब बिना पेंसिल उठाए अगर आप किसी ग्राफ को प्लॉट कर पा रहे हो तो वो जो कर्व होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस। ठीक है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन करेंगे इसके कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। चलिए ये लीजिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन कहा गया है इज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इज एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है? बच्चों लिख लो कॉपी में, यस हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, मगर हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। नोट करिए, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि डिफरेंशिएबल होगा उस पर आप टेंजेंट खींच पाओगे, मतलब वो कंटिन्यूअस तो होगा, मगर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्योंकि वो कंटिन्यूअस फंक्शन शार्प एजेस पे दे सकता है। तो शार्प एजेस वाला फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। वेरी सिंपल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला जी भर के देखो बन रहा कि नहीं बन रहा। बन गया सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। डी बाई डी एक्स फाइंड करना है पाई बाई टू पर वेन ई की पावर साइन एक्स है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? साइन एक्स को टी ले लेंगे तो ई की पावर टी बन जाएगा। ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रख दो, आंसर जीरो आ गया। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन। एफ वन इक्वल टू फोर, एफ डैश वन इक्वल टू टू, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द लॉग एफ ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो लॉग एफ ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहला डंडा चलेगा लॉग पे, तो वन अपॉन एफ ई की पावर एक्स, फिर एफ पे तो एफ डैश ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स पे तो ई की पावर एक्स। तो क्या आ गया? ई की पावर एक्स एफ डैश ई की पावर एक्स अपॉन एफ ई की पावर एक्स। चलिए तो एक्स इक्वल टू जीरो पर डेरिवेटिव चाहिए तो जीरो पुट कर दो जहाँ जहाँ एक्स है। ई की पावर जीरो, एफ डैश ई की पावर जीरो, और कितना? एफ ई की पावर जीरो। तो कितना हो गया? वन, और ये हो गया एफ डैश वन। एफ डैश वन की वैल्यू टू दी गई है अपॉन एफ वन इक्वल टू टू अपॉन फोर इक्वल टू वन बाई टू। कुछ भी क्वेश्चन पूछने के पहले एक बार इसको आप सॉल्व कीजिए खुद से, फिर मुझसे बोलिए क्या नहीं है समझ में। ओके सर, कर रहे हैं। करो कुछ नहीं, डंडा मेथड लगानी है और कुछ नहीं। पहले लॉग में हो जाएगा तो वन अपॉन एफ ई की पावर एक्स, फिर एफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश ई की पावर एक्स, और फिर ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स। बस इतना बन गया तो सब बन गया सर। ऐसे तो बन जाते हैं सर, एग्जाम में क्यों नहीं बनते सर ये क्वेश्चन? भाई प्रैक्टिस करो, एक बार में कुछ नहीं होता, 10-10 बार करना ही पड़ता है ना। अगर सवाल बहुत अच्छा होता है यार, 10-10 बार करना पड़ता है मगर। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो हिमांशु। और अपना पेपर भेजना है हिमांशु रिपोर्ट का? नहीं कर पाओगे साल, छोड़ो प्रैक्टिस करो पहले। वो भाई एक बार मॉडल देखना भाई कैसा, मतलब क्वेश्चन आए थे इस बार तुम्हारे में। एप्पल पेपर देख लो, मॉडल है। भेजूंगा भेजूंगा। बना? यस सर, बन गया। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। लॉग 10 बेस एक्स, बेटा इसकी प्रॉपर्टी लिख लो, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। लॉग ए बेस बी का इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स अपॉन लॉग ई बेस 10। तो लॉग 10 बेस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, बहुत ही सिंपल है। तो लॉग ई बेस एक्स अपॉन लॉग ई बेस 10, इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है, मैं आपको सरल तरीके से करके बता देता हूं। ये देखो किसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों आपको, लॉग ऑफ आपको डिफरेंस, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, इधर लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 10 बेस पर एक्स का। बच्चों फार्मूला लिखो, लॉग ए बेस पर बी का फार्मूला होता है लॉग ऑफ ई बेस बी
अपॉन लॉग ऑफ ई बेस पर ए। तो यहाँ पर यही कंडीशन लगा दो, डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई बेस पर एक्स अपॉन लॉग ई बेस पर टेन। हाँ बच्चों, लॉग ई बेस प्लस टेन क्या कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो बाहर आ गया वन अपॉन लॉग ई बेस पर टेन, और केवल किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लॉग ई बेस पर एक्स का। सब लोग जानते हो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स। बच्चों ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पलटी मार जाएगा इसका बेस और पावर, ये हो गया लॉग टेन बेस पर ई और इंटू वन बाई एक्स, यही आंसर है, नोट कर लो। ओके सर, डन डन सर, लॉग टेन बेस पर ई और वन बाई एक्स। चलो भाई अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। घटिया क्वेश्चन, ये तो इजी है सर। हाँ डायरेक्टली डंडा चला दो, कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का सबसे कठिन क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई है, तो बताइए डी ओ बाई डी एक्स क्या होगा। से डन डन सर, चले आएंगे, बन जाएगा वन आएगा। नवनीत यस सर, सो गए नवनीत? हेलो यस सर। बोलो यार क्या कर रहे हो, बन जाएगा नहीं बनेगा? सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बना गया, आनंद नहीं आया सर, आनंद बनाया नहीं आया, बन गया सर, बन गया, बना गया सर। ठीक है अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत इजी था यार, इसीलिए ने कहा ना ब्रह्मांड का सबसे टफ क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों ये आ गया क्वेश्चन आपका अगला, राइट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, बच्चों एक्स क्यूब के दो साइन होते हैं, एक होता है प्लस एक्स एक होता है माइनस एक्स, लिखो, एक होता है प्लस एक्स क्यूब और एक हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। ग्रेटर देन जीरो पे ये टूटेगा और लेस देन जीरो पे ये टूटेगा। न्यू क्वेश्चन, न्यू हाँ, तो बच्चों फाइंड कर लो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव पहले लेफ्ट इसमें निकाला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है एफ डैश जीरो का, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। अब चलो एक बार लगाओ यही फार्मूला, एक बार लगा दो राइट पे, एक बार लगाओ लेफ्ट पे। तो पहले लेफ्ट पे लगाया गया है, तो लेफ्ट पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो लेफ्ट पे जो एफ एक्स टूटेगा क्या टूटेगा, माइनस एक्स क्यूब टूटेगा, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करोगे एक्स की वैल्यू जीरो तो जीरो, राइट पे टूटेगा प्लस एक्स क्यूब तो प्लस एक्स क्यूब पे भी एक्स स्क्वायर निकलेगा, तो आंसर आ गया जीरो दोनों पे, लेफ्ट और राइट पे लिमिट आ गई जीरो। नोट करिए, डन डन सर। चलिए कोई दिक्कत, आगे चले बच्चों। यस सर यस सर यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा डिफरेंशिएट कर दो, कुछ नहीं है, कंपोजिट फंक्शन। बन जाएगा या इतना टाइम लगाओगे ऐसे क्वेश्चन में, हद कर दो यार,
सर हमें लगा आप ऐसे ही रुके हो सर, नहीं वो तो मैं हो गया डन बोलो ना, हो गया तो डन बोलो। डन सर। डन डन हाँ चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन कॉस एक्स प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो करो डिफरेंशिएट, पहले इसको टी ले लो। हाँ साइन एक्स वाई का कॉस कॉस एक्स वाई, फिर कॉस एक्स वाई का होगा साइन एक्स वाई, टी लेकर के करेंगे, बार बार टी लेना पड़ेगा। फिर एक्स का फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर उसका मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो दो पार्ट में ब्रेक हो गया। डी वाई डी एक्स की पार्टी को लेफ्ट में ले आओ, कॉमन ले लो, अपॉन में चला गया। डन बोल देना होने के बाद। ओके सर। समझ में नहीं आ रहा था। चलो देखो साइन कॉस एक्स वाई है बेटा, सबसे पहले इसको टी लोगे कॉस एक्स वाई को, बोलो हाँ, तो साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, बोलो हाँ। साइन सर यस सर। बेटा डंडा चलाओ, बेस्ट मेथड। देखो साइन पे डंडा चलेगा, साइन का क्या होता है कॉस कॉस एक्स वाई हो जाएगा, बोलो यस यस सर। फिर कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होगा कि नहीं होगा, यस सर। फिर एक्स वाई में दो फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का एक्स का हो गया वन। अब आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। बस अब खोल डालो, दो पार्ट में हो गया, डी बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले आओ, आंसर आ गया। यस सर हो गया सर, बन जाएगा। यस सर। चलो ऑल से डन। डन सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो, तो टू बाहर है, कॉट एक्स स्क्वायर को कॉट एक्स स्क्वायर को टी ले लो, तो वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, फिर कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो ये आंसर आ गया सॉल्व होकर के। हाँ बेटा तभी तो बनेगा वो, कॉट एक्स स्क्वायर को टी लोगे तो टी की पावर वन बाई टू, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन से वन अपॉन टू रूट टी आ जाएगा, तो वन अपॉन टू रूट टी, तो टी की वैल्यू रखो तो कॉट एक्स स्क्वायर, फिर कॉट को टी लोगे तो डी टी बाई डी एक्स करोगे, तो उसका कॉट एक्स का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो गया। डन डन सर। डन सर। अगला क्वेश्चन, ये तो कर चुके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, दिल जीत लिया इस क्वेश्चन ने। सर आनंद कुछ बोल रहा है सर, आनंद गहन चिंतन में है। चलिए से सुन रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आनंद, वेरी गुड। डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, वाई की वैल्यू दी है टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सब्सटीट्यूशन, नौ काम नौकरी के दसवां काम, यस सर ठीक है ना, यस। तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा पुट कर दो बच्चों, नौ काम नौकरी के मतलब नौ नंबर का इन्वर्स और एक नंबर का फालतू डिफरेंशिएशन, तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दो, तो टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, साइन टू थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया टू थीटा बन गया, वाई इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन किया टू बाहर, टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर। डन सर। देख लेने दो सर। देखो देखो जी भर के देखो। यार आनंद तुम लोग यार एक घंटे के लिए आते हो, ये बड़ी बुरी आदत है, ये आलस वाला आदत बना ली आप लोगों ने, आप लोगों को कम से कम यहाँ 11 बजे आना चाहिए, 10 बजे आ जाना चाहिए, बल्कि 3 घंटे तो पढ़ो कम से कम, एग्जाम टाइम है, आते हो एक घंटे में सवाल करते हो, तो कम से कम ऐसा है कि आओ और डेली न्यूमेरिकल यहीं पर लगाओ, फिर उसके बाद मेरे से 3-4 सवाल पूछो। यस सर। थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आया करो क्लास, ठीक है ना। हाँ टाइमिंग बढ़ाओ थोड़ी अपनी, आप लोग टाइमिंग बढ़ाओ, मैंने आप लोग को इतनी शानदार शानदार बुक्स दी हैं, कम से कम लगाओ तो यार उन सारे नोट्स को। चलो बन गया, चले आएंगे।
यस सर। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स वाई कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, बेहद फर्जी क्वेश्चन, सीधा फंडा लग गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला, बच्चा वाला क्वेश्चन। सर ये वाला बन गया? नहीं बना, बन गया सर। क्या डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसमें क्या बताऊं यार। अगला क्वेश्चन देखो, डिवीजन मेथड लगाना सर, सिंपल डिवीजन मेथड लगाया भाई। यस सर, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। जो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगे आप लोग को, आंखों को भा जाए, उसकी फोटो ले लेना। हां सर वही, ठीक है। e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, डा डा डा, e की पावर x की पावर 5, डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, और t लोगे तो 2x, इसका t लोगे तो 3x स्क्वायर, इसका ऐसे ही देखो। डन सर, डन। बोलो बाकी लोग, चलो बोल दिया करो। हाँ, अगला क्वेश्चन, फंक्शन की पावर फंक्शन, एक ही तरीका, लॉग ले लो y sin x, log y ले लिया, log क्वेश्चन ऊपर। सर एक बार क्वेश्चन नोट करना था सर, कौन सा ऊपर वाला? यस सर, क्वेश्चन आ गया समझ। कौन सा वाला, ऊपर वाला बोल रहे हो नीचे वाला बोल रहे हो? ऊपर वाला। हाँ नोट करो, डन बोल देना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, y की पावर x, y इक्वल टू x की पावर sin x, डिफरेंशिएट कर दे भाई log लेकर के, तो log y इक्वल टू x sin x, log sin x into log x हो गया। अब फिर 1 अपॉन y dy dx इक्वल टू फर्स्ट इनटू सेकंड लगा दो, लगा दिया? यस सर। यस, फिर y को ऊपर फेंक दो तो आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना? यस सर। चलो ये तो वही है, चलिए ये भी रिपीट हो गई। हाँ ये देखिए, y को ऊपर डाल दिया तो आंसर आ गया, ये देखिए y ऊपर आ गया तो y की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू टू, पैरामेट्रिक फॉर्म डी ओवर डी एक्स, मतलब y का भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और x का भी t के रिस्पेक्ट में, सॉरी दोनों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो। डन सर, डन। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ बढ़िया क्वेश्चन आ गया बच्चों। फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एफ, वेयर एफ इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग फंक्शन, 2010 में भी आ चुका है, कह रहा ऑल द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी फाइंड करना है, ठीक है ना? तो देखो फंक्शन कहाँ कहाँ पर अपना नेचर बदल रहा है, माइनस थ्री पर बदल रहा है। आप देखो माइनस थ्री से कम में ये फंक्शन था, माइनस थ्री से ज़्यादा में ये फंक्शन था, और प्लस थ्री पर, समझ गया ना? तो अपने पास दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एक है माइनस थ्री और एक है प्लस थ्री। हाँ तो चलिए, क्या लिखा, वी नो दैट मॉड एक्स इज द कंटिन्यूस फंक्शन, सो फॉर इट इज कंटिन्यूस फॉर एक्स इज लेस देन माइनस थ्री, माइनस टू एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, सो इट इज कंटिन्यूस बिटवीन माइनस थ्री टू प्लस थ्री, सिक्स एक्स प्लस टू इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, सो इट इज कंटिन्यूस फॉर एक्स ग्रेटर देन थ्री, नाउ वी हैव द चेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज ग्रेट इक्वल टू माइनस थ्री एंड एक्स इक्वल टू प्लस थ्री। बच्चों जो मैंने बात एक लाइन में बोली कि यार ये जो फंक्शन है ये दो जगह अपना केवल नेचर बदल रहा है, एक माइनस थ्री पर एक प्लस थ्री पर बस, क्योंकि देखो माइनस थ्री के पहले फंक्शन ये था बाद में ये है, प्लस थ्री के पहले फंक्शन ये था बाद में ये है, तो केवल दो जगह आपको ऑब्जर्वेशन करना है, एक माइनस थ्री पर प्लस थ्री पर। तो चलिए माइनस थ्री पर अपन को निकाल लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले माइनस थ्री पर फंक्शन की वैल्यू देखो, माइनस थ्री पर फंक्शन की वैल्यू कौन देगा, ये देगा। क्यों देगा? क्योंकि इक्वालिटी इसके पास लगी हुई है, तो माइनस थ्री का मॉड प्लस थ्री और थ्री, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स, ये आ गई वैल्यू सिक्स। अब माइनस थ्री पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो बच्चों, तो माइनस थ्री पर लेफ्ट हैंड लिमिट का ही मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री है। क्यों लगा माइनस एक्स प्लस थ्री? क्योंकि माइनस थ्री पर ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा, तो माइनस थ्री प्लस थ्री लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास छः, क्योंकि माइनस थ्री का मॉड थ्री हो जाएगा, तो थ्री प्लस थ्री छः। अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए माइनस थ्री कौन देगा? ये देगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स की जगह माइनस थ्री रखो, तो कितना आ गया? प्लस सिक्स। बल्ले बल्ले, दोनों आ गई वैल्यू, लेफ्ट भी आ गई छः, राइट भी आ गई छः, मतलब फंक्शन जो हो गया कंटिन्यूस हो गया। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूट एस इक्वल टू माइनस थ्री,
क्योंकि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। चलो अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, थ्री, थ्री पर चेक करते हैं। तो थ्री के पहले फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस टू इंटू थ्री यानी कि माइनस सिक्स। अगले में क्या करेगी, छः गुणे तीन अठारह और दो बीस, है ना, छः गुणे तीन अठारह और दो बीस, और फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी, बीस। मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूट आ गया x इक्वल टू प्लस टू पर, देख लो कैसे। ये आ गई, यहाँ तक आ गए थे हम लोग। अगला देखो x इक्वल टू थ्री पर देखो वैल्यू कितनी मिलेगी, मतलब फंक्शन की बीस मिलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन दे रहा था, थ्री के पीछे वाला फंक्शन, मतलब माइनस टू इंटू थ्री सिक्स देगा, मगर राइट हैंड लिमिट आपको मिलेगी बीस। तो एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं थ्री पर, मतलब फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है थ्री पर। अब आराम से देखो, और ना बने तो फिर से बताओ। क्वेश्चन नोट कर लिया, नहीं नोट किया था, लियो पहले क्वेश्चन का फोटो खींचो, पहले क्वेश्चन का फोटो खींच लो या लिख लो। लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं, लिख लो लिख लो। मानजी तिवारी लेफ्ट, बाकी बच्चे कब तक आते हैं? आज संडे है, छुट्टी मार दी। ओहो हिमांशु कहाँ चले गए थे तुम? सर पीछे पड़ गया ये भी आज। Yes, sir, noted. चलो अब देखो, अब सॉल्यूशन देखो क्या नहीं आ रहा समझ में, बस कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल दिखाना है। अब देखो अच्छे से, कहाँ पर डाउट हो रहा मुझसे बात करो, जिस पॉइंट पे डाउट हो रहा। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं लिखा थोड़ी दिक्कत होगी। सर ये रूट एक्स, मतलब सर मॉड एक्स है सर। हाँ, तो इसमें माइनस थ्री माइनस एच आएगी ना वैल्यू एलएचएस में। हाँ, तो अगर तो एच टेंस टू जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट बोलो तुमने। तो माइनस थ्री प्लस एच करोगे, पहले में माइनस थ्री माइनस एच आएगी, तो माइनस थ्री माइनस एच करोगे तो एच की वैल्यू जीरो रखोगे तो वो बचेगा मॉड माइनस थ्री, बोलो। हाँ यस सर, यस तो वो मॉड माइनस थ्री प्लस थ्री प्रोड्यूस करेगा ना। यस सर, तो एक्चुअली सही तरीका वही है जो तुम बोल रहे हो, बट इसने किया नहीं है। सर वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर ए पर निकालते हो तो ए माइनस एच पुट करते हो एक्स की जगह, और राइट हैंड लिमिट के लिए ए प्लस एच पुट करते हैं, ए प्लस एच ए माइनस एच। तो माइनस थ्री माइनस एच पुट करेंगे, बट जब पुट करोगे एच की वैल्यू जीरो टेंस पुट करना पड़ता है, तो एच की वैल्यू जीरो डालोगे तो माइनस थ्री प्लस जीरो माइनस थ्री तो बचेगा। हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। तो उसका कोई फर्क ही नहीं आएगा वो h टेंस टू जीरो रखने का, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में h इक्वल टू जीरो रखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें उन लोगों ने रखा ही नहीं है, फिर भी देख लो। और बताओ कहीं पे कोई दिक्कत? डन डन चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार, देखिए जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, बट इतना टफ क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाऊंगा आप लोग को, बाद में करवा दूंगा, अभी नहीं करवा रहा ऐसा इतना टफ। शो दैट द फंक्शन 2x माइनस एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, शो करना है। चलिए यहां से करते हैं, ओके बच्चे लोगों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूड एस एक्स इक्वल टू जीरो. तो एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट की वैल्यू और उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी. तो फंक्शन की वैल्यू तो के दी गई है, लिमिट की वैल्यू निकाल लो बच्चों. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. चलो सॉल्व कर दो, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो गया कॉस साइन स्क्वायर टू एक्स. ठीक है, तो टू बाहर ले लिया इसका और टू बाहर ले लिया और इसको बना लिया टू एक्स का होल स्क्वायर और वन बाई टू एक और बाहर ले लिया क्योंकि नीचे आठ है तो फोर टू जो एट हो जाएगा. तो सॉल्व करने पर आर एच एल और एल एच एल जो आ रही है वो कितनी आ रही है, वन के इक्वल, यानी कि के इक्वल टू वन होगा. अब बताओ देखो अच्छे से, ये टर्न ये चीज तुम लोग अपने से करना. देखो कुछ नहीं है, नीचे क्या है बेटा, टू से काट दोगे तो चार बचेगा और फोर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो टू एक्स का होल स्क्वायर. तो एक टू एक्स इसको मिल जाएगा, एक टू एक्स इसको मिल जाएगा, तो वन ही तो आ गया क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट होती है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन. तो ये लिमिट लग गई साइन एक्स अपॉन एक्स, जीरो माइनस एच जीरो प्लस एच. हाँ वही वही करना पड़ेगा, तो उसमें उसकी जगह एच आ जाएगा साइन टू एच अपॉन एच, टू एच अपॉन टू एच. हिमांशु आ रहा समझ में? सर आ रहा है थोड़ा. करो करो एक लाइन से करो, जहां पे दिक्कत आए वो लाइन पूछो. यस सर आ रहा सर. चलो करो, कर लेने के बाद बोलना. हिमांशु तुम सागर आ रहे हो ना? और सर वो उस टाइम एनसी के लिए आ रहा था, अब नहीं आ रहा. क्यों अब क्यों नहीं आ रहा भाई? अरे प्री बोर्ड्स है ना. कितने प्री बोर्ड्स हो गए? दूसरा है, दूसरा ऑफलाइन, पहला ऑफलाइन हो गया. अकाउंट्स में कितने हैं? तुमसे ज्यादा आए थे ऑफलाइन भी. अरे भाई पेपर कर लो यार, बाद में बात कर लेना यार, पेपर कर लो, ये तो चलता रहेगा. टाइम ठंड पड़ रही है, पेपर कर लो, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग. उसकी वैल्यू वन हो गई ना, लिख के बता दीजिए सर. देखो देखो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो और साइन x अपॉन x. अब वैसे जीरो सॉरी x, अगर जीरो डालोगे तो क्या बनेगा, साइन जीरो और ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो. तो जीरो अपॉन जीरो की स्ट्रक्चर जब इस फॉर्म में बनती है साइन x अपॉन x के फॉर्म में, तो इसका आंसर होता है, इसका आंसर होता है वन. तो पिछले क्वेश्चन में देखिए आपके पास लिमिट x टेंड्स टू जीरो है और ऊपर बन रहा है साइन टू एक्स और नीचे भी बन रहा है टू एक्स. तो x अगर जीरो डालोगे तो साइन जीरो ऊपर भी नीचे भी जीरो और फॉर्मूला यही वाला बन रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, वन. समझ में आया कि नहीं आया? yes, sir, yes. भाई अगर x जीरो की तरफ जाएगा तो टू एक्स तो दोगुनी रफ्तार से जीरो की तरफ जाएगा ना, तो ये वही तो फॉर्मूला बन गया, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा. तो आंसर आ गया वन. ठीक है okay, sir. Yes, sir. नोट करो.
तो राइट और लेफ्ट दोनों ही वन आएंगे। नहीं आया समझ में अभी भी? यस सर, हो गया सर। चलो चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा फंक्शन देगा बच्चों? जीरो से वन, मतलब ऊपर वाला। और राइट हैंड लिमिट कौन सा फंक्शन देगा? नीचे वाला। चलो बच्चों पहले फंक्शन नोट करो। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। नोट कर लिया। अब इसके बाद देखो बच्चों, आपको लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी है आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, आपके पास फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जीरो पर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच, एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच, अगर एक्स की तरफ जीरो की तरफ जाएगा तो एच जीरो की तरफ जाएगा। तो बच्चों इससे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एच रख दो। माइनस एच माइनस एच माइनस एच फंक्शन बन गया। हाँ बोलो सर, ये तो मतलब माइनस वन पे भी कंटिन्यूअस का बोल रहा है। नहीं माइनस वन पे बोला ही नहीं है, जीरो पे बोला है। नहीं देखो ना, क्वेश्चन क्वेश्चन देखो ना क्या बोला है, जीरो चेक कहाँ पे करना है, जीरो पे बोला है। गारंटी उसने जीरो पे मांगी ना। क्वेश्चन है के की वैल्यू फाइंड करो अगर जीरो पे कंटिन्यूअस है, तो आपको जीरो जीरो पे ही टेस्ट करना है, वन पे टेस्ट नहीं करना। माइनस वन पे कहाँ दिखा दिया, देखो माइनस वन के पीछे का तो फंक्शन दिया, आगे का थोड़ा दिया है। माइनस वन से बड़ा दिया हुआ, सॉरी बड़ा दिया हुआ है, पीछे का नहीं दिया। मतलब कुल मिला के आप ये देखो, जीरो पे लिखा है तो जीरो पे चेक करो, बाकी के क्यों करना। ये हो गया, ये हो गया, इसको सॉल्व कर दिया। ये आ गया टू के बाई टू इक्वल टू के आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट के आ गई। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट आ रही है माइनस वन, मतलब के इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू भी कितनी निकली थी, माइनस वन। फंक्शन की वैल्यू भी माइनस वन निकलेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू आ गई माइनस वन। चलो सॉल्व करो, जहाँ पे दिक्कत है पूछो।
डन बन गया सर, कर रहे हैं सर। करो तो इसमें रेशनलाइज़ ऊपर से कर दिया सर। हाँ, तो जैसे भाई रेशनलाइजेशन का रूल कहीं से भी हो सकता है ना, न्यूमरेटर में नहीं बैठा है तो न्यूमरेटर से ही करना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। ये नीचे टू कैसे आ गया सर? नीचे टू कैसे आ गया यहाँ पे? यस सर। चल, एच की वैल्यू जीरो डाल के देखो ना, वन बचेगा यहाँ, वन बचेगा तो वन प्लस वन रूट वन प्लस रूट वन टू हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू डाल ली सर। जी हाँ, सर ये माइनस एच का, सर माइनस कहाँ गया सर? माइनस एच का ये माइनस, ये बोल रहे हो? ये सर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा ना, वन माइनस के एच और वन माइनस के एच, तो माइनस टू के एच आएगा यहाँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस एच का। ओके सर, ठीक हो गया सर। डन। ओके, अब देखिए इसके बाद, हाँ इसके बाद देखिए सेकंड, इसकी राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी माइनस वन और राइट हैंड लिमिट आएगी माइनस वन। तो यानी फंक्शन और कंटिन्यूअस होने की कंडीशन क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो आंसर आ गया के इक्वल टू माइनस वन। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद कंटिन्यूटी लगा दीजिए। फिर एक बार और बता दो, 2k कैसे आ गया सर ऊपर वाला? कौन सा वाला 2k? यस सर 2k। देखो 1 माइनस kh था, देखो देखो 1 माइनस kh था और माइनस 1 माइनस माइनस 1 प्लस kh था। यहां तक आ गया नहीं आया था बताओ? यस सर यहां तक तो आ गया। अब यार वैल्यू इसको माइनस खोलोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। हां
यस सर। और के एच और माइनस के एच हो गया माइनस टू के एच, बोलो। हाँ यस सर। नीचे के एच से ऊपर का एच कैंसिल, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो ऊपर केवल क्या बचेगा, टू के बचेगा कि नहीं बचेगा? ओके सर। और इसमें अब लिमिट पुट कर दो एच की जीरो, तो अंदर नीचे टू आ गया, तो टू से टू कैंसिल, तो के बच गया। ओके सर। ओके सर, इन लोगों ने ये जो लिमिट एक्स आर एच एल लिए सर, हाँ सर, इसमें फंक्शंस कौन कौन सा ले लिया सर? जीरो से बड़ा वाला लोगे, क्योंकि जीरो जीरो पे आर एच एल निकाल रहे हो, तो जीरो से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा? ये लगेगा 2x plus 1 upon x मतलब minus पहले डायरेक्टली वो पहले वो किया 0 plus h फिर 0 नहीं, पहले 0 minus h किया है, बाद में 0 plus h किया है। यस सर, वही सर। तो फंक्शन 0 से बड़े पे लगेगा ना आर एच एल? यस यस सर। तो लगा दिया सिंपली 0 plus h पुट कर दो, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 plus h डाल दो, तो 2 into 0 plus h 2h plus 1 और 0 0 plus h minus 1, वही करा x की वैल्यू 0 plus h, ये देखो लिखी हुई है। यस सर। यस सर। डन। चलो बहुत अच्छे। के इक्वल टू माइनस वन है सर, कह रहा कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू निकालो, कंटिन्यूटी प्रूफ नहीं करनी, कह रहा कि के की वैल्यू निकालो अगर कंटिन्यूअस है तो, खुद कंटिन्यूटी दी गई है तो के की वैल्यू निकालना है। के इक्वल टू माइनस वन आ गया। आ गया? यस सर। यस सर। चलो yes. अगला क्वेश्चन, ये तो कर चुके। चलिए लिखे क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर द फंक्शन गिवन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर गिवन फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालो। फिर से जीरो पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जीरो के इक्वल होगा। चलो पहले फंक्शन लिखो जल्दी से। अब देखो विदाउट कोरोना में ऐसे क्वेश्चन आते थे, अभी तो चलो ठीक है, कहाँ है ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में, है ही नहीं है। ये तो ओल्ड वाली है एनसीईआरटी। हाँ चलिए करिए सॉल्व। तो पहले लेफ्ट निकालिए, लेफ्ट में क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस, मतलब इसमें निकलेगा एक्स प्लस वन, पाई बाय टू को ओपन कर दिया, एक्सटेंस टू जीरो पाई बाय टू एक्स प्लस, यानी कॉस पाई बाय टू बन जाएगा, ये कॉस पाई बाय टू एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो रख दी तो कॉस जीरो ए आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो माइनस एच पुट करना था। ठीक है, अच्छी बात है। अगले में लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स अपॉन कॉस एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, साइन एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, एक्स बाय टू एक्स बाय टू का होल स्क्वायर कर दिया, वन बाय टू ए इक्वल टू वन बाय टू, सही है। चलिए करते जाइए। ये आ गया। हाँ बोलो सर। ए साइन पाई बाय टू ब्रैकेट माइनस एच प्लस वन स्क्वायर कैसे सर? एच प्लस वन नहीं आएगा यार, एच प्लस पाई बाई टू आएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई तो करो। जब पाई बाई टू बाहर है यार, ये वाला पाई बाई टू बाहर है, जब एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखोगे, जीरो प्लस एच रखोगे तो एच प्लस वन हो जाएगा, तो पाई बाई टू ब्रैकेट में एच प्लस वन में बोल रहे हो कि विदाउट ब्रैकेट के बोल रहे हो? इनटू कर देंगे। हाँ इनटू तो करेंगे, तो विद ब्रैकेट के बोल रहे हो कि विदाउट ब्रैकेट के बोल रहे हो? नहीं सर, वही उसके बाद कस्टर विद ब्रैकेट के बोल रहे हो मतलब? यस सर। हाँ तो पाई बाय टू को फोड़ो अंदर, तो पाई बाय टू इनटू एच हो जाएगा, पाई बाय टू एच, बोलो। हाँ यस सर। और पाई बाय टू इनटू पाई बाय टू यानी पाई बाय टू, बोलो। हाँ यस सर। तो साइन नीचे बैठा पाई बाय टू यानी 90 प्लस थीटा,
साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? यस सर। तो क्या बन जाएगा, ए कोफिशिएंट कॉस पाई बाय टू एच। यस सर। एच की वैल्यू क्या है, जीरो। एच की वैल्यू क्या है, जीरो है कि नहीं है? यस सर है। तो जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो हो गया वन, तो आंसर आया ए। वन ए दिखा। यस सर। बहुत बढ़िया सर, एक बार करके बता दो सर ये क्वेश्चन। लो भाई, a sin pi by limit x tends to 0, a sin pi by 2 bracket x plus 1, limit x tends to 0, limit x tends to 0, a sin pi by 2 bracket में x plus 1 था। ले भैया क्या निकालना है तुम्हें, let x equal to 0 plus h। अगर x दौड़ेगा 0 की तरफ तो h दौड़ेगा 0 की तरफ, तो लिमिट हो जाएगा ये h टेंड्स टू 0, a साइन पाई बाई 2 है बाहर, और यहाँ पर x की जगह कितना आएगा 0 प्लस h, मतलब h प्लस 1, h प्लस 1, a साइन पाई बाई 2 इंटू h कितना हो गया पाई बाई 2 h, और प्लस कितना पाई बाई 2। तो यदि पलट करके लिखोगे तो तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और क्या चल रहा है, h टेंड्स टू 0 चल रही है लिमिट में। तो a साइन इसको लिख लो पाई बाई 2 प्लस पाई h बाई 2। हाँ चलिए, साइन 90 प्लस थीटा लिमिट h टेंड्स टू 0, a साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos ऑफ साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो कितना हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा यानी cos थीटा, थीटा की जगह बैठा कौन पाई h बाई 2। चलिए h की लिमिट पुट करिए, h की वैल्यू कितनी है 0, तो a इंटू cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर आया a इंटू 1 इक्वल टू a। तो चलिए भैया लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई a। आया समझ में आपकी, नहीं आया? यस सर। चलो तो ये अपने पास आ गया a, ये देख लो a आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, तो 0 प्लस h पे निकालने, ऊपर वाली 0 माइनस h पे थी बच्चों, तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जहाँ जहाँ पे प्लस h मैंने कर दिया वहाँ वहाँ पे आप माइनस h कर दो, तो ये कर दोगे माइनस h, तो ये हो जाएगा पाई बाई माइनस पाई h बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो h पुट करोगे 0 तो वो 0 ही आएगा। अगला देखो क्या है, अगला वाला ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस x, समझ में आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा तो फिर मैं करूँगा। सर वो वाला आ गया सर, ये वाला, ये वाला नहीं बन रहा, देखो एक बार सॉल्व सर, एक बार देखो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 10x माइनस x अपॉन x क्यूब, अभी इसके नोट्स भेज रहा हूँ, कल सभी क्वेश्चन करके ले गया ना क्लास में वाले। चलो नहीं बन रहा ना ये वाला, अजीब लग रहा ना ये वाला पार्ट। यस चलो करा देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, देखो बेटा लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। देखो बच्चों क्या पुट निकालना आपको, राइट हैंड लिमिट मतलब लेट x इक्वल टू 0 प्लस एच, x इक्वल टू 0 प्लस एच, जब x दौड़ेगा 0 की तरफ तो h दौड़ेगा 0 की तरफ, तो ये बनेगा यार लिमिट h टेंड्स टू 0 टेन एक्स बन जाएगा कितना बच्चों, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाई x क्यूब, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? बनेगा। हाँ ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो साइन x माइनस ये साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, और साथ में क्या कॉस एक्स, एलसीएम आ गया। और क्या चल रहा है, लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट, चलो एक्स की जगह क्या पुट कर दो 0 प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 प्लस एच, तो क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे साइन 0 प्लस एच मतलब साइन एच माइनस साइन एच अपॉन एक्स क्यूब की जगह 0 प्लस एच का क्यूब यानी एच क्यूब
इंटू कॉस ऑफ एच, बोलो बच्चों हाँ या ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया समझ में कि नहीं आया इतना? यस सर, यस सर। चलो अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन h कॉमन ले लो यहाँ से, तो साइन h आपने कॉमन ले लिया, लिमिट h टेंस टू जीरो है तो कॉमन के अंदर क्या बचेगा, वन माइनस कॉस एच, बोलो यस। यस सर। अपॉन एच क्यूब है, अपॉन एच क्यूब है, तो एक काम करो एक h इसको दे दो और एक h स्क्वायर इसको दे दो और वन अपॉन कॉस एच बच जान दो। चलो बच्चों देखो, साइन एच अपॉन एच मैंने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ाई थी, वन होती कि नहीं होती बताओ? होती है सर। तो ये बन जाएगा वन। अब वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, ये होता है वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है बच्चों, एच का स्क्वायर है, तो एच के स्क्वायर में एक काम करो, फोर का कर दो डिवाइड और फोर का कर दो मल्टीप्लाई, क्यों कर दो बताता हूँ अभी। और ये क्या है, वन अपॉन कॉस एच। बच्चों ध्यान से देखो, अब यहाँ पे चल रही है क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। बेटा यहाँ का टू कांस्टेंट है, यहाँ का फोर कांस्टेंट है, टू ने फोर को काट दिया तो कितना आ गया बाहर, वन बाई टू। और ऊपर क्या बच गया बच्चों देखो, साइन स्क्वायर h बाई टू, मतलब साइन h बाई टू एक बार, साइन h बाई टू दो बार, और नीचे क्या है बच्चों, एच स्क्वायर बाई फोर। तो मैं एक एच इसको दे दूँ, एक टू इसको दे दूँ, एक एच इसको दे दूँ, एक टू इसको दे दूँ, और क्या बचा बच्चों, वन अपॉन कॉस एच। अब लिमिट डाल दो बच्चों, जो बाहर बैठी हुई थी लिमिट एच टेंस टू जीरो, सबको लिमिट दे दो, तो वन बाई टू इसको लिमिट दोगे तो बन जाएगा वन, इसको लिमिट दोगे तो बन जाएगा वन, और वन अपॉन कॉस जीरो कितना होता है, तो ये भी बन गया वन। तो बच्चों कितना आ गया, वन बाई टू। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। बस यही कलाकारी करी है, वन बाई टू। तो देखिए अब आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई थी बच्चों, देखो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट आई थी ए, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, वन बाई टू, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है ए, तो आपको पता है तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई टू। नोट करो ए इक्वल टू वन बाई टू, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैं भेज रहा हूँ आपको, ये फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा कर देता हूँ उसको, ये लो पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। चलो ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। सर नहीं ले पाया सर मैं। अच्छा मैं ले लो। चलो चलो चलो, अरे पुराना फोन है सर, वो हैंग हो जाता है सर। कोई दिक्कत नहीं है, तो तेरे पास तो नया फोन था इतना शानदार वाला, वो पुराना क्यों चला रहा है फिर? वही तो सर, सर अभी लिया है सर। ठीक है फोन से आता ना सर, इसलिए सर झूठ झूठ बोल रहा है। अरे यार सर अभी मैं सर पुराना फोन, मैं समझ गया, मैं ज्वाइन कर लिया सर, वो आपने लिंक भेजा ना सर, तो मैंने सर नए वाले में PUBG चल रहा होगा। अरे नो सर। चलो नहीं सर, सर नमी से पूछ लो सर, PUBG है नहीं सर। चलो चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखो। इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस वन प्लस साइन प्लस टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू टू है, एक्स ग्रेटर देन जीरो पर वैल्यू इतनी है, अगर एक्स के जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो बताना ए और बी की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, तो ये तीनों इक्वल करके आपको निकालनी है, तीनों इक्वल करके आपको निकालना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। यस सर, यस। अगर ये तीनों इक्वल है तो a और b की वैल्यू बतानी क्या होगी। ठीक है लिख लिया? यस सर, डन सर। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन कर लिया क्या अपन ने? ओके ये नहीं किया था। चलो तो करिए भाई सॉल्व।
हाँ यही क्वेश्चन था। ठीक है चलिए करिए इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो बच्चों, सबसे पहले एक लेफ्ट निकलेगी, एक राइट निकलेगी और एक जीरो पर वैल्यू निकलेगी। तीनों को इक्वल कराओ और देखो ए की, ए और बी की वैल्यू क्या है। दो इक्वेशन बनेंगे उनसे ए और बी की वैल्यू निकलेगी। 2016 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलो देखो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करो, जीरो प्लस एच करो, जीरो प्लस एच पुट कर दो, ए प्लस बी एच माइनस वन, रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन करने के बाद आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आ गई बच्चों बी बाई टू। ये देखो पहला पार्ट इसका बी बाई टू आ गई राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए एक्स की जगह जीरो माइनस एच कर दो, जीरो माइनस एच कर दोगे तो ये वैल्यू बनेगी साइन। क्वेश्चन में सर टू की कंडीशन क्या दी थी सर? क्या किसकी बोल रहे हो, कौन सी कंडीशन सर? टू के साथ की सर। टू के साथ की, टू के साथ वाली तो कोई कंडीशन ही ना है यार, जीरो वाली है। अच्छा टू के साथ एक्स इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं, ये बोलो सर एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या कंडीशन थी? उल्टा बोल रहे हो तुम, एक्स इक्वल टू जीरो पर टू थी और एक्स ग्रेटर देन जीरो राइट हैंड लिमिट इस पे लगेगी, वन प्लस बी एक्स माइनस वन पे। यस लिख लिए? हाँ तो इस पे लेफ्ट निकाल लो, इस पे राइट निकाल लो, ए प्लस थ्री आ गई और एफ जीरो टू है तो बी अपॉन टू, बी अपॉन एक आया अपने पास कितना फ्रॉम वन, बी अपॉन टू इक्वल टू ए प्लस थ्री इक्वल टू टू, तो बी की वैल्यू फोर और ए की वैल्यू माइनस वन। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है पानी के जैसा। चलो अब देखो तुम लोग पहला काम तो ये करो क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो। सर नोट हो गया। आनंद हो गया नोट? यस सर। चलो ये पहला पार्ट, अब इसके बाद देखो अब इसको सॉल्व करा रहा हूँ, अगला पार्ट देखो इसका। हाँ अब सबसे पहले आप जो है देखो फंक्शन की लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालो, जीरो प्लस एच पर ये निकलेगी राइट हैंड लिमिट बी बाई टू। देखो ध्यान से निकालो, बोलो यस सर आ गई। आ गई सर। बहुत अच्छे, बहुत जल्दी आ गई यार तुम्हारी, तभी तो आपने बताई थी। अरे गुड ठीक है। चलो अब लेफ्ट निकालो तुम फटाफट, लेफ्ट में लगेगी ट्रिग्नोमेट्री साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। हाँ लगेगा यही सही ट्रिग्नोमेट्री नाटक कर रही। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। वो भी नहीं लग रहा है, बट गया अपने आप ही फंक्शन बट गया। नहीं लग रहा बच्चों, नहीं लग रहा फॉर्मूला, अपने आप ही फंक्शन बट गया। यस सर। वो भी नहीं लग रहा है, एच को बांट दो दोनों में, एक में स्टैंडर्ड लिमिट लग जाएगी और एक में दोनों में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम टाइप का फंक्शन बना लो। बना ए प्लस थ्री आ गया, ए प्लस थ्री सर। बहुत अच्छे, सच में ले आए सर? थोड़ा सा भाई वो देख लिया इसमें से। हाँ तो आ गया नहीं आया? नहीं मैंने आंसर नहीं देखा सर, वो एक स्टेप देखा था। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कौन सा स्टेप देखा होगा? ए प्लस वन को डिवाइड करने वाला। यस सर। और ए प्लस वन को डिवाइड करने वाला और ए प्लस वन को मल्टीप्लाई करने वाला है ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो ए प्लस थ्री आ गया और फंक्शन की जीरो पर वैल्यू कितनी है? टू। देखो क्वेश्चन में फंक्शन में जीरो रख करके। यस सर। गिवन है, रखना नहीं पड़ेगा, गिवन है। तो क्या कंडीशन होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो लियो यस सर, बी बाई टू इक्वल टू ए बाई थ्री इक्वल टू टू, तो बी बाई टू को टू से कंपेयर करो तो बी आ गया फोर और ए इक्वल टू आ गया माइनस वन। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। आ गया ना? यस सर। इजी सर। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। For what value of lambda the function is defined by this is continuous at x equal to 0?
कह रहा है x की कौन सी वैल्यू पे ले फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू जीरो तो लेफ्ट और राइट रख दो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ गई, राइट हैंड लिमिट वन आ गई, एफ एल जीरो आ गया, तो राइट और लेफ्ट कभी इक्वल हो ही नहीं सकते ज़िंदगी में, इसका मतलब कोई वैल्यू लैम्डा की सपोर्ट नहीं करेगी कंटिन्यूअस होने के लिए, चाहे कोई ले लो। पहला आंसर है नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है? यस सर, यस। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पहले क्वेश्चन लिखो फिर एक्स पर वो निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालो जीरो पर। ओके बैटरी डाउन होने वाली है सर। हाँ अच्छी बात है। सर अभिषेक तो ज्वाइन नहीं करता सर, क्या हो गया बेटा अभिषेक? उसको मैसेज किया तुमने ज्वाइन करने के लिए, बोला नेट खत्म हो गया उसका, वो कह रहा है। ये बढ़िया बहाना है। सर हिमांशु तो सर ये फ्री फायर खेलता रहता है सर, वो एक वो हिमांशु नहीं है सर, हिमांशु यार वाला। अच्छा 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 सर वो पबजी के बाद वही चल रहा है। चलो लिख लिया, बन गया? नहीं बना। अरे यार लेफ्ट राइट निकालने में इतना टाइम लग रहा है, फर्जी सा क्वेश्चन है यार। अब सर इजी है, लेफ्ट जीरो आ गया राइट भी वन आ गया, तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो जिंदगी की कोई वैल्यू ले लो यार उस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ तो पहला पार्ट आया कंटिन्यूअस नहीं है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि एक्स इक्वल टू वन पर क्या कहना है, तो एक्स इक्वल टू वन पर कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, बताओ? नीचे वाला। नीचे वाला, नीचे वाला फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है? हर जगह कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता? तो पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस होता है, मतलब क्या होगा, x इक्वल टू वन पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सो एट x इक्वल टू वन योर फंक्शन विल बी थ्रू आउट कंटिन्यूअस। यस सर। ठीक ना, तो लिख लो एट x इक्वल टू वन अवर फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। सर कब तक क्लास चलेगी? जब तक आप पढ़ना चाहो बच्चे को। यस सर। ठीक है ना, तो देखो देखो हाँ x इक्वल टू वन पे देखो, अब x इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू पाँच, वन के पीछे निकालोगे तो भी पाँच आएगी, वन के आगे निकालोगे तो भी पाँच आएगी, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन, बट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। यस सर। चलो डन। यस सर, डन डन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन बाई टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रेटर देन जीरो, एक होता है लेस देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो पे होता है प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा मतलब वन बाई टू, और लेस देन जीरो पे होगा माइनस एक्स, मतलब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा मतलब माइनस वन बाई टू। आंसर कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू जीरो, नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस आ गया साफ साफ, क्योंकि प्लस पे आ जाएगा प्लस वन बाई टू, माइनस पे आ जाएगा माइनस वन बाई टू। देख लो मॉड एक्स की दो वैल्यू टूटती ना, एक प्लस एक्स माइनस एक्स। यस सर। यस सर। तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस आ गया, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। लिखने का तरीका ये है, पहले क्वेश्चन नोट करो तसल्ली से, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के दो मायने, कि जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा। डन। डन सर। नो सर। भाई नोट करूं
सर ये माइनस बाहर रहेगी एक वैल्यू तो वो प्लस कर देगी और एक माइनस वो माइनस कर देगी सर मॉड की। अरे मॉड एक्स टूटेगा ही भाई, देखो अगर एक्स लेस देन जीरो तो मॉड एक्स नेगेटिव एक्स में टूटेगा, उस ऊपर वाले एक्स से मतलब नहीं है, नीचे वाले से मतलब है, मॉड एक्स नेगेटिव एक्स में टूटेगा, और अगर पॉजिटिव एक्स है एक्स ग्रेटर देन जीरो तो मॉड एक्स प्लस एक्स में टूटेगा, तो ऊपर वाला आ गया माइनस वन बाय टू, नीचे वाला आ गया प्लस वन बाय टू, दोनों इक्वल ना है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। यस सर, मॉड एक्स ब्रेक होता है प्लस एक्स और माइनस एक्स पे। खुश सर एक सेकंड, एक क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट ले लूंगा, अभी भेज दूंगा पूरा पीडीएफ क्लास के जस्ट बाद। ओके चलो चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू वन पर, वही पुराना ढर्रा, अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो नोट करो भाई, वन प्लस एच पर निकालो लिमिट और वन माइनस एच पर निकालो इक्वल टू ग्यारह, तो दो इक्वेशन ग्यारह के इक्वल ही बनेंगे, दोनों को सॉल्व करें ए और बी की वैल्यू निकाल लो, पहली बनेगी थ्री ए प्लस बी और दूसरी बनेगी फाइव ए माइनस टू बी। बिल्कुल सही है, एक बन गई थ्री ए प्लस बी, दूसरी बन गई फाइव ए माइनस टू बी, एन सी आर टी का क्वेश्चन है ये। डन डन सर, डन बन गया, आ गया आंसर, निकाल ले। हाँ निकालो, सर अभी अभिषेक स्टेटस डाल रहा है, सर क्या डाल रहा है स्टेटस? तुम व्हाट्सएप चला रहे हो भाई, भाई तू इतनी उसकी पल पल पे नजर कैसे बनाए हुए तू? व्हाट्सएप चला रहा है साथ में, मतलब व्हाट्सएप भी चला रहा है, ये बात तो पक्का है। नोटिफिकेशन आया सर अभी से। अच्छा लड़का है जो भी कहो यार, वो बहुत प्यारा बंदा है, अपनी धुन में मस्त रहो। चलो बन गया भाई, एक सेकंड के हिमांशु। यस सर, राहुल लोगन खातिर इतना टाइम लगाइवा के हुई इहान क्वेश्चन के खातिर पूरा रात के जगाइल मारे हा। यस सर, तुम राउर लोगन बिहारी नाहिल बुझवा तबू हंसे पड़े, हा 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 दांत खीसी निकाल दी है पूरा। चलो सर बुलियन गेट सर एक बार आओ, तुम क्लास में आओ तो बोलेंगे क्लास में बोलेंगे। चलो भाई कंपेयर करो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जिंदाबाद, 11 के साथ कंपेयर कर दो, दो इक्वेशन बन गए यार, x इक्वल टू वन प्लस एच वन माइनस एच लिखने में इतना टाइम लग रहा है यार, कर रहे हैं कमाल कर रहे हो यार, h की वैल्यू जीरो ठोक दो यार, फाइव ए माइनस टू भी देख के बन रहा है क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया दो इक्वेशन आ गए, तरद्दी क्वेश्चन है। हिमांशु आ गई सर, ए की वैल्यू थी और बी की वैल्यू टू सर आ गई। चलो बहुत बढ़िया, आनंद भाई यस सर, कर लिया सॉल्यूशन, कर लिया सॉल्यूशन, दो इक्वेशन आए हैं दोनों को सॉल्व करो। यस सर, दोनों इक्वल 11 कर दे रहे हैं सर, दोनों इक्वल 11 होंगे, हां क्योंकि फंक्शन की वैल्यू को 11 होगा, दोनों को सॉल्व करो 11। यस सर सॉल्व करो आंगनवाड़ी वाले मेथड से,
डन एक सेकंड सर एक सेकंड इजी डन 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 सर चलो डन सर ठीक है ए इक्वल टू थ्री बी इक्वल टू टू बहुत बढ़िया ए इक्वल टू थ्री और बी इक्वल टू टू आंसर आ चुका है हमारो हम लोग का क्या बोल रहे हो अब बस करें खाना खाने जाना है सर चलो ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है और कल आपका होमवर्क है बच्चों क्या लिमिट कंटिन्यूटी वाले पूरे क्वेश्चंस करके ले आना आपसे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे यकीन मानो पूरी निपटा दोगे बुक चलो ठीक है ना यस सर यस चलो बाय बाय गुड नाइट बच्चा लोगों गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट थैंक यू